સેનેટરીજ લઈ ગયો સેનેટરીજ પછી વધારે તારો ઇન્ટરવ્યુ લાવો ગાડી આવી વંડે લેવાનો સેનેટરીજ दोस्तों नमस्कार, ये हमारा महाकालेश्वर जी चौराया है। हम सभी लोग जानते हैं कि ये चौराया बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारे जस्ट पास वाली बाउंड्री में डीएजी साहब का मकान है और उसके पीछे जो भी है पूरा मलातलाई एरिया है जहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। वहाँ पर कोरोना के 3-4 मतलब पॉजिटिव लोग मिल गए हैं, इसलिए कारण कि प्रशासनिक अधिकारी को तो इधर 24 घंटे आना जाना पड़ता है, कर्मचारियों को यहाँ से 24 घंटे निकलना पड़ता है उस एरिया से। इसलिए हमारी नगर निगम ने और गैराज समिति के अध्यक्ष जो कि मनोहर जी चौधरी है, उसके बाद में गैराज समिति के अधीक्षक बाबूलाल जी है, हरक लाल जी माली है और भी सभी अधिकार। आपका नाम? सत्य प्रकाश जी जवर साहब है। मनोहर जी भाई साहब, ये क्या सिस्टम बढ़ा है उसके बारे में डिटेल जानकारी दे। उदयपुर नगर निगम ने, ये राजस्थान का पहला एक सिस्टम है जो सोडियम हाइपोक्लोराइड डालकर 4000 लीटर में 40 लीटर और 4 गोलियां इसमें जो डालकर उसका एक मिश्रण तैयार करके सैनिटाइज करने के लिए, क्योंकि ये जो एरिया है मलातलाई वाला, इस मलातलाई वाले एरिया में कोरोना के 4 पीड़ित मिले हैं और इस 4 पीड़ित तो यहाँ से कोई भी कीटाणु लेकर शहर की तरफ नहीं जाए, चाहे वो गाड़ी हो, टांगा हो, टेम्पू हो, रिक्शा हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, जो भी गाड़ी यहाँ से निकलती है, व्यक्ति निकलता है, वो सैनिटाइज होकर ही शहर की तरफ जाए ताकि कोई कीटाणु शहर की तरफ नहीं जाए। और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ राजस्थान का ये पहला सिस्टम हमने यहाँ उदयपुर में बनाया। अगर यहाँ सफलतापूर्वक हम करते हैं तो उदयपुर में भी, अभी हमारे बीच में महापौर जी आए थे, उपमहापौर जी आए थे, कमिश्नर साहब आए थे, सभी ने अभी इसको स्टार्ट किया करा है और आने वाले समय में भी कोई भी व्यक्ति यहाँ से कीटाणु लेके शहर के अंदर नहीं घुसे, इसलिए सैनिटाइज होगा। ये देख लो आप, एक कार निकल रही है और ये कार अभी सैनिटाइज होगी और ये एक हमने गुफा का रूप दिया है, टनल का रूप दिया है ताकि लोग इसके अंदर से अपनी गाड़ी लेके निकले। और इसलिए हम लोग उदयपुर में ये सब चीज़ कर रहे हैं। ये बाबूलाल जी और इनकी टीम ने, जहाँ हमारे जवर साहब खड़े हैं इस समय भी, और हरक लाल जी ने, ये पूरी टीम ने पिछले 24 घंटे में अथक मेहनत करके और इस फुहारे को बनाया है ताकि यह पर सब सेंट्रलाइज हो सके। बिल्कुल श्रीमान बाबूलाल जी, आप गैराज समिति के अध्यक्ष भी हैं, किस तरह से ये जो आपका टैंकर है बहुत बड़ा, इस टैंकर में कितना पानी और कितनी आपकी दवाई होगी? मुझे कमिश्नर साहब का और हमारे समिति के अध्यक्ष मनोहर जी चौधरी साहब का निर्देश प्राप्त हुआ कि उदयपुर से और मल्लातले की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए आईजी साहब के बंगले के पास में एक सैनिटाइज सिस्टम लगाया जाए तुरंत, ताकि वो सिस्टम ऐसा हो जिसमें मिस्ट सिस्टम हो, पानी मिस्ट टाइप हो जाए, फोग टाइप, और उधर से गाड़ियाँ जितनी भी गुजरे वो गाड़ियाँ सैनिटाइज हो जाए। उसके लिए हमने आपके इनके निर्देशानुसार तुरंत प्रभाव से हमने 3 HP की मोटर और एक कार वाशर खरीदा और उसके सिस्टम को तैयार किया। तैयार करने के बाद में इसको, ये मिस्ट जो लगा हुआ है वो तैयार किया ताकि आने जाने वाले को ऊपर कोई पानी नहीं नज़र आए, उसमें एक फोग जैसा उस पर असर होए और गाड़ियाँ जो निकले वो सैनिटाइज होकर निकले। ये आज तैयार हुए, उस पर सभी आप जो देख ही रहे हैं, हमारे समिति के अध्यक्ष मनोहर जी चौधरी और छोगालाल जी भाई साहब आप भी इस बीच में पधारे हैं, हमें हरकलाल जी जिस इस काम में सहायता मेरी जिन लोगों से मिली है, हरकलाल जी जो हमारे इलेक्ट्रिक विभाग के EN हैं उनकी तरफ से मेरे को सहयोग मिला है, आप जवर साहब है, जवर साहब ने अपनी दुकान खोल के इस समय में, जवर साहब ने ये जो हमारे को इक्विपमेंट से जो
इसमें लगने वाले थे ये प्राप्त किए इनसे, और इनके भी सहयोग मिला है। रणवीर मेरे पास में जो गाड़ी जो इधर उधर का जहाँ से भी गाड़ी लानी हो, लेथ मशीन से लेके इलेक्ट्रिक से लेके, जिन लोगों ने हमारा सहायता करके और ये तैयार किया है। अब ये 4000 लीटर पानी जिसमें 40 लीटर हाइपोक्लोराइड सोडियम जो पाउडर जो केमिकल है वो मिलाया गया, उसमें चार गोलियाँ जो निर्देश अनुसार वो डाली गई है। ये मिस्ट 12 घंटे, ये टैंक 12 घंटे के रेगुलर चलने के बाद में टैंक खाली होगा, और इसको हम नियमित चालू रखेंगे सुबह शाम और दिन भर, और इसको चालू रखेंगे। और ये खाली होने से पहले ही फायर की गाड़ी इसी जगह आके इसको भर दिया जाएगा और केमिकल इसमें डाल दिया जाएगा। ये व्यवस्था नगर निगम उदयपुर की तरफ से महापौर महोदय और हमारे उपमहापौर महोदय और समिति अध्यक्ष और सभी के निर्देश से किया गया। धन्यवाद। वेरी गुड बाबूलाल जी, ये है गिराज समिति का काम। अब इलेक्ट्रिक वालों को भी काम है, कारण कि इलेक्ट्रिक जब तक मोटरें नहीं होगी, इलेक्ट्रिक की फिटिंग नहीं होगी तो ये फुहारे कैसे चलेंगे। तो ये कौन से कितने हॉर्स पावर की मोटर लगी साहब? 3 हॉर्स पावर की मोटर लगी है यहाँ पे, और इसको स्टार्टर के द्वारा कंट्रोल किया हुआ है, और इसको जैसा आवश्यकता अनुसार इसको चलाई जाएगी। और जो भी जो कोरोना वायरस के 4 केस उदयपुर में इस मल्लातलाई क्षेत्र में आए हैं, तो इस क्षेत्र में जाने वाले और इस क्षेत्र से आने वाले हर एक गाड़ी का यहाँ सैनिटेशन किया जाएगा। और मैं मेवाड़ चैनल के सभी पधारे हुए छोगलाली भाई साहब और उनकी टीम का मैं कल, आपका धन्यवाद, हमारा धन्यवाद तो खूब हो गया। सर ये फुहारे क्या चीज़ है आप बताओ? ये हमने एक वो काम किया कि भाई पंप लिया, उसके ऊपर 16 फुहारे लगाए, और 16 फुहारे जो लगाए वो मिस्ट बनाएगा, ताकि वो क्या है कि बहुत छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होके, और जो भी गाड़ी निकलेगी, जो भी व्यक्ति इसके नीचे से निकलेगा वो पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाएगा। ये हमने एक जो प्रकल्प बाबूलाल जी को बताया था और जैसा उन्होंने कहा वैसा हमने किया, तो ये आज पहली बार राजस्थान में पहला एक काम है। यस बिल्कुल सैनिटाइज हो जाएगा। चलो यस, जय हिंद। वाह मनोहर जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू, शुभकामनाएं आपको, शुभकामनाएं। वाह साहब, जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से महाकालेश्वर जी गार्डन पर, जो हम तक पता चला है कि यहाँ पर मल्लातलाई क्षेत्र में कर्फ्यू लग चुका है, 3-4 पॉजिटिव निकल गए हैं, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, लेकिन हमारे नगर निगम के कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को, कई सारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को तो वहाँ पर जाना ही होता है व्यवस्था को बनाने के लिए, व्यवस्था को देखने के लिए। तो इस तरह के पॉजिटिव जो इलाका है जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, तो वहाँ हमारी नगर निगम ने एक निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम एक इस तरह सा एक फुहारा बनाया जाए। तो वो फुहारा जस्ट आपने देखा, बट महापौर जी साहब आपके दिमाग में ये चीज़ कैसे आई, और इसके लिए तो बहुत साधुवाद कि जो कर्मचारी जाते हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा। ऐसा है कि ये कोई विशेष नहीं है, बाहर विदेशों में तो ये है और साउथ इंडिया के अंदर भी ये चल रहा है। जैसे अपन कार वॉशिंग जो होती है, कार वॉशिंग जो करते हैं उसमें क्या होता है कि कार एक घुसती है टनल के अंदर और बाहर निकल जाती है, सफाई हो जाती है। उसी थ्योरी प्रिंसिपल के ऊपर दुनिया के अंदर भी है और अपने साउथ इंडिया के अंदर भी ये सिस्टम है। तो वही सिस्टम अपने लगाया कि ये जो अपना कर्फ्यू एरिया है इसमें जो एग्ज़िट पॉइंट है, एग्ज़िट पॉइंट का मतलब उस अंदर से कोई अगर बाहर व्यक्ति जाए, उसके साथ बैक्टीरिया हो सकते हैं, गाड़ी में भी हो सकते हैं, उसके अंदर भी हो सकते हैं, तो वो लोग वहाँ से गुजरे ताकि पूरा सैनिटाइज हो जाए और फिर हमारे जर्म्स बैक्टीरिया जो है वो शहर में प्रवेश नहीं करें। इस कंसेप्ट से ये जो टनलिंग काम किया IG के मकान के रेजिडेंस के पास में। और भी कोई व्यवस्था, जैसे कि यूँ तो लगभग सभी लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक चल रही है, और आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो बिल्कुल महापौर साहब है, कई सारी प्रशासनिक न्यूज़ें आपके पास आती है, तो कब तक ये खुल सकता है? जैसा कि कुछ कह रहे हैं कि रेलवे के टिकट भी अब मिलने शुरू हुए थे। नहीं, रेलवे टिकट अभी नहीं हुआ है, परंतु 14 तारीख के बाद में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टाइम दिया था 21 दिन का, वो 14th को खत्म समाप्त हो रहा है। तो अभी क्या थोड़ी स्टडी कर रहे हैं, अभी भी क्या थोड़ा सा हिंदुस्तान के अंदर इंक्रीमेंट आ गया है,
पर इंक्रीमेंट होकर स्थिर हो जाएगा या थोड़ा डाउन फॉल चलेगा तो तब वापस सरकार निर्णय लेगी। ऐसे एकदम निर्णय नहीं, अगर ये बढ़ता ही रहा जैसे अभी करीब इंडिया के अंदर 1900 करीब जो है वो पेशेंट हो चुके हैं पॉजिटिव, तो ये अभी तो इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी अगर मान लो कल से कुछ कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर स्थिर हो गया, तो सरकार इस पर विचार करके और इस लॉकआउट को जो है वो समाप्त करने की विचार में सोचेगी या एक दो दिन और या पाँच दिन और एक्सटेंशन कर सकती है, ऐसा मेरा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे उदयपुर नगर निगम के महापौर साहब टांक साहब, जो कि सवेरे मेरे ख्याल से तो 5-6 बजे उठते हैं और 7-8 बजे से अपने सभी काम देने क्या करने हैं, नगर निगम को क्या निपटानी है, अधिकारियों को क्या निर्देश देनी है, अपने समिति अध्यक्ष को क्या निर्देश देने हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नगर निगम पर, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं होती है जैसे कि कोई सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, तो ये सारी व्यवस्थाएं आप करवा रहे हैं सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप भी एज ए पब्लिक क्या महसूस कर रहे हैं इतने दिनों से? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं भाई, और मोदी जी बहुत अच्छा चल रहे हैं और यहाँ के उदयपुर के लोग भी, नगर निगम और सभी आप लोग भी, विशेषकर आप भी बहुत सहयोग दे रहे हैं और कार्य कर रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों 4 अप्रैल है, जैसा कि आपने देखा दृश्य, अभी अभी वहाँ कर्फ्यू जहाँ जिस क्षेत्र में लग चुका है, कई सारे अधिकारी, कई सारे सरकारी कर्मचारी, कई सारे सफाई कर्मचारी वहाँ जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ जाती है, तो इस तरह से सैनिटाइज करके ये सारी गाड़ियाँ क्रॉस होगी। ये प्रशासन की, नगर निगम की बहुत अच्छी पहल है। इस मौके पर मेरी बेटी भी मेरे साथ है, 4 अप्रैल है, तालाब भी लगभग मुझे लग रहा है कि 5-6 फीट खाली हो गया है फतेह सागर का तालाब, और क्या बोले हम, पानी तो अच्छा है, हमारी झीलें इस बार नहीं झुकेगी, झुकेगी क्या, हाँ झुकना और सूखना बराबर ही है, इस बार हमारी झीलें नहीं सूखेगी। रही बात के बेटी आयुषी मालिक को भी आज मैं कई दिनों बाद एक समाचार अर्जेंट बनाना था इसके लिए लाया हूँ, तो आयुषी जी आपने कैसे दिन गुजारे अपने यहाँ पर घर में रहकर? जी इन क्वारंटाइन दिनों में हम अपनी शुरुआत महाभारत रामायण से करते हैं, जैसे कि अभी आपको पता है पूरे भारत में इसका ट्रेंड चल रहा है, और उसके बाद हम घर पे कुकिंग करना, अभी जैसे कि रिसेंटली पानी पूरी जो भी है, और सब फैमिलीज़ को बहुत टाइम बाद मौका मिला है कि हम मम्मी पापा को सुबह से शाम एक साथ घर पर देख पाते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कल 5 अप्रैल है, क्योंकि मोदी जी ने बोला है आपको रात को 9:09 के लिए दिए लगाने हैं या फिर फ़ोन की टॉर्च या फ़ोन की लाइट टॉर्च लगानी है, तो प्लीज़ आप वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमसे ये उम्मीद करी है, तो हम सब मिलके करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू बॉस। ये हमारी इंग्लिश में जिसको डॉटर कहते हैं, डॉटर आयुषी माली है, बहुत बहुत थैंक यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर में और रहें, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है और ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा स्वरूप सागर है, और ये देखिए स्वरूप सागर की पाल है, और कुल मिलाकर ये सभी पानी लगभग 5-6 फीट खाली हो चुका है। आज 4 अप्रैल का दिन है, स्वरूप सागर है, स्वरूप सागर, और ये स्वरूप सागर के ऊपर ये माछला मंगरा, माछला मंगरा, कुल मिलाकर ये स्वरूप सागर है। थैंक यू वेरी मच। देख लो घर में हो, इसलिए मैं भी आपको स्वरूप सागर बता देता हूँ, स्वरूप सागर भी लगभग 5 फीट खाली हो चुका है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।